सकती है। भारतीय जनता पार्टी की इस महंगाई से, भ्रष्टाचार से, गुंडा राज से पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। इनके साण से, योगी जी के साण से किसान परेशान है, ठीक है। अभी मेरे घर के बगल में मौर्या जी थे, उनका 8 बिसार कलह चढ़ गया, हमको फोन करके हमको डांट रहे हैं। तो हमने कहा कि पिछली बार वोट किसको दिया था, कहा भाजपा को, हमके इस बार कहा डंडा लेके दौड़ाएंगे। इस बार अगर आ गए, हमारा 8 बिसार कल चढ़ गए, हम बच्चों की फीस कैसे देंगे। उनके हमारे बगल में एक यादव जी और पटेल जी हैं, उनका 12 बिसार हुए चढ़ गए साठ। तो अब जो इसका नुकसान हो रहा है वो न देख झेल रहा है। तो जो महंगाई इन्होंने ले आया है, वादा किया था जनता से कि महंगाई कम करेंगे, इन्होंने वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन आज कोई पत्रकार सही बात दिखा दिया रहा तो उसके ऊपर मुकदमा। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, सरकार की कमियों को उजागर करता कि कमी इसको ठीक करो, लेकिन उसी के खिलाफ सैकड़ों पत्रकारों को मुकदमा लिख दिया। कोई नेता सही बात बोला तो उसको जो है मुकदमा लिख दिया। और ये इनके बड़े नेताओं की हालत बता दूं, हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, इन लोगों को जैसे कहते हैं कि इसे दूरबीन से देख रहे, कोई अपराधी नहीं दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, जाति चिन्ह करके कार्रवाई हो रही। हरिशंकर तिवारी के ऊपर कार्रवाई होगी, विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी, अतीक के खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकेश राजभर के खिलाफ कार्रवाई होगी, अजय यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी, रामकुमार पटेल के खिलाफ कार्रवाई होगी, मंगरू चमार के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जाति चिन्ह के कार्रवाई कर रहे हैं, माफिया दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे गृह मंत्री के मंच पर अजय मिश्रा टेनी बैठा हुआ, जिसके ऊपर 302 के जमानत करा करके है, 120B में मुकदमा लिखा हुआ है, और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके चार चार किसानों की हत्या कर दिए, और उसी में एक पत्रकार की हत्या हो गई, उसके एवज में 9 लोगों की जान गई। अभी भी मंत्री को अपने पास रख करके घुमा रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। हम तो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, जालौन, उरई जाकर के देख लिया, एक तरफा चुनाव होने जा रहा है। हमने आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, 163 सीटें हैं, एक कौन जीती है नहीं। अब आ गई लखनऊ रैली है, अब आ गई इधर तो बहराइच में आ जाली, खाली सलाम कर अपने नेतन। आज आपने देखा न कि पूरे प्रदेश में अहिर गडेरी, कुनबी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिंदमला, दुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, पनिया, लाला, गुण, करवार, भूमिहार, बिहार, नाई, आरा, कर्क, बंसी, खंगार, बंगार, बहेलिया, सारे के सारे लोग बदलाव चाहते हैं, इस सरकार की विदाई चाहते हैं। एक मुख्य सवाल ये है कि आज योगी आदित्यनाथ भी बहराई जाए और उनका कहना यह है कि सबसे बड़ी एक ऐसी परियोजना, सभी परियोजना शायद उसके विषय में आप भी जानते होंगे, क्योंकि पहले आप योगी जी के साथ मिलते हैं, उस परियोजना का लोकार्पण 11 तारीख को मोदी जी कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी जी कि इसका बहुत बड़ा श्रेय हम स्वयं इसलिए ले रहे हैं कि हमने ज्यादा काम किया है और इसका हमें चुनाव में लाभ मिलेगा। अच्छा, ये काम का किए हैं, ये काम वही किए हैं कि मैं गया था महोबा, शिवपाल यादव जी ने उद्घाटन किया था वो बात परियोजना की, और वही का उद्घाटन मोदी जी जाके किए हैं। अखिलेश जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नींव दिया, उन्होंने शिलान्यास किया, 360 करोड़ रुपया अलाट भी किया, और इन्होंने जाकर के उद्घाटन उसी ठीक बनवाया, उद्घाटन किया। आज भी चले जाइए, आज भी सड़क अधूरी है कि कोई मकान बिना फिनिश हुए गृह प्रवेश नहीं होता है। तो ये जान गए हैं कि अब हमारी सरकार जा रही है, जल्दी कर लें, नहीं तो इसका श्रेय कल अखिलेश यादव ने उठा लेंगे। ये जो कर रहे हैं ये पुरानी सरकारों की योजनाएं हैं, ये सिर्फ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इनके पास पैसा कहाँ है, इनसे पूछिए कि पैसा तो बस खाली सिलापट लगाने भरक पैसा है, पर्दा लगाने भरक पैसा है, पर्दा हटा दीजिए, सिलापट के पीछे जाइए तो कुछ नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि हमने बड़ा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया न, कहने में भी लाज नहीं लगती है। एक तरफ अडानी को पूरे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति किसने बनाया, मोदी जी ने बनाया, एक तरफ एयरपोर्ट बेच रहे हो, हवाई अड्डा तक बेच दिया अडानी को, दूसरी तरफ बना क्यों रहे हो, क्यों नहीं कहते हम अडानी को बेचने के लिए बना रहे हैं, ये कहने में लाज लगती है इन लोगों को, ये क्या बोलेंगे। इनका एक भी काम बता दीजिए, 13 एग्जाम हुआ है जो मैंने लिस्ट देखा, 13 एग्जाम में 13 पेपर लीक, वही का लीक लीकेज अपन नहीं बन कर पाओ तो कहा दूसरा काम करेंगे। देखिए संजोग से हे देखा टोपी हमारे जिला अध्यक्ष के, थोड़ी देर के लिए हम ले लेते, देखा ही हम न, देखा ही लाल है ये पीला है। तो कैसे कल हम बनारस में, कल हम बनारस में पगड़ी बनले रही ललकी, अब जो अपन साफा बनले रही, ये देख के दिल्ली लखनऊ वाले खूब लाल पीला हो तुम, ये कहे मिल गया,
कल तक तोरे संगे रही तो तोरे संगे गल हली तो बिजली का बिल माफ कराओ बदे गल हली, एक समान शिक्षा लागू कराओ बदे गल हली, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू कराओ बदे गल हली, गरीबन का इलाज फ्री कराओ बदे गल हली। जब तू एको टफियो नहीं देला तो झटक देली। पहली बार आपने देखा होगा कि देश में मिनिस्टर एक मुख्यमंत्री से लड़ रहा था, 2 साल लगातार लड़ा, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर मंत्रिमंडल से कोई इस्तीफा दिया तो ओम प्रकाश राज पर इस्तीफा दिया है। ये इतिहास हमने बना के दिखाया कि गरीबों विश्वास रखो, 22 में सरकार बना करके तेरे एक एक जो काम उन्होंने नहीं किया है एक एक काम करके हम तुझे हिसाब देंगे। छिन्ना प्रदेश चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो रही है लगातार, जिन्ना को लेकर बीजेपी अपने बयान आपको सुनने में फर्क है। वो कह रहे हैं कि हमको जिंदा करो जिंदा करो, हम मर रहे हैं। आपकी पार्टी के सिंबल को लेकर भी सूचना है क्या चुनाव? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये ओम प्रकाश राजभर को बदनाम करने की साजिश है। और ये मोदी जी नहीं, योगी जी नहीं, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि जो हमारे सिंबल को कोई रोक दे। चैलेंज देता हूँ, चुनौती देता हूँ मोदी योगी की, तेरे कहने पर चुनाव आयोग की भी औकात नहीं है। हम सिस्टम में रहते हैं, सिस्टम में। लेकिन छड़ी अलाट हो गया अलाट महाराज, हमको हमारा सिंबल छड़ी है, हम छड़ी पे चुनाव लड़ेंगे। न तो योगी रोक पाइए, न तो मोदी, न अमित शाह, यही लोग के रोक दे।